Bismillahirrahmanirrahim. I am Ambar Farooq and I am the lecturer of Principle of Banking. Today we discuss about the first topic and the first lecture of the Principle of Banking. That is the subject means Asool-e Bankari. सबसे पहले जो आप लोगों ने इसकी जो बुक परचेज करनी है उसका राइटर है काजी शहजाद एहतशाम, वो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी, वो आप परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज आपके पेपर पैटर्न के बारे में, पेपर जो टोटल मार्क्स है आपका 75 मार्क्स का पेपर है, जिसका जो टाइम आपके पास अवेलेबल होगा वो 2.5 घंटे है। उसमें देखिए दो आपके पोर्शन होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में 15 MCQs होंगे जो इसके लिए आपको 20 मिनट्स लगेंगे। 15 MCQs, हर MCQs 1 नंबर का, यानी कि 1 नंबर का MCQs है और टोटल जो ऑब्जेक्टिव का आपका पेपर होगा वो 15 मार्क्स का होगा। सेकेंड आपका पेपर जो आपको मिलेगा 20 मिनट्स बाद वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, और सब्जेक्टिव पेपर कितने टाइम का होगा, 2 घंटे और 10 मिनट का होगा, और टोटल आपका जो सा होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, आपने उसमें से जो अटेम्प्ट करने हैं वो 6 अटेम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के जो होंगे वो 2 नंबर होंगे। थर्ड जो क्वेश्चन नंबर होगा सेम एज इट इज अबव, यानी कि वो भी 9 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, यानी कि टोटल इसके भी 12 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन होगा वो भी 9 क्वेश्चन पे अवेलेबल होगा जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का ही होगा। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 गिवन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन होगा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, 5 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं आपने, और हर जो क्वेश्चन होगा वो कैरी करेगा 8 मार्क्स को। इस तरह आपके 24 मार्क्स इसके हैं, और इसमें से जब आप करोगे तो 18 आपने क्वेश्चन करने हैं, हर 2 मार्क्स के होंगे, और टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 36 मार्क्स के। इज इट क्लियर? एंड देन देखिएगा उसके बाद हम लोग आज का जी, इसमें सबसे पहले हम लोग देखें प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग आपका सब्जेक्ट है। बैंकिंग को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज द बैंक, बैंक एक्चुअली में क्या है, बैंक का वर्ड कहाँ है। पहले शुरू में जो बैंक था वो कोई इदारा नहीं था, आज आपने देखा होगा कि बैंक एक प्रॉपर इदारा है, लेकिन इससे पहले आपने 17th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में ये प्रॉपर्ली कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। लोग कहाँ पर कारोबार किया करते थे, बेंचेस पे बैठ के, बेंचेस पे बैठ के कारोबार करते थे। फर्स्टली जो बैंक का वर्ड था वो इटालियन लोग, यानी कि जो अदालती जबान के लोग थे, उन्होंने वर्ड क्या बनाया था, बैंकर्स, बैंकर्स या फिर बैंको, जिसका मतलब क्या होता था, बेंच। बेंच का वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि उस वक्त बैंक कोई इदारा नहीं था, बल्कि लोग किस पर कारोबार करते थे, बेंचेस पर बैठ के। इसी तरह सेकेंडली फिर उसके बाद फ्रेंच दौर शुरू हुआ, तो फ्रेंच ने भी बैंक्यू का वर्ड ड्राइव किया, बैंक्यू के वर्ड से जो ड्राइव हुआ उसका भी मतलब क्या होता था, बेंच ही होता। देन जर्मन लोग आए, जर्मन लोगों ने प्रॉपर्ली बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ड्राइव किया। आपने पार्ट वन में कॉमर्स में पढ़ा था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आप पढ़ चुके हो, उस वो क्या एक प्रॉपर इदारा है, बकायदा रजिस्टर्ड 1984 के तहत था पहले, अब 2017 के तहत है। इसी तरह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इन्होंने ड्राइव किया था किस वर्ड से, बैंक से, बैंक मीन्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि आज का प्रॉपर जो बैंक है वो एक्चुअली में जर्मन लोगों की ही बेस है। इसमें देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री में जस्ट आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, बल्कि ये भी आप लिख लें कि ये भी आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंक वजूद में कब आए थे, बैंक का यानी कि बैंक स्टार्टिंग कब हुई थी, बैंक का इर्तिका कब हुआ। सबसे पहले जो 12th और 14th सेंचुरी थी तब आपका जो बैंकिंग का वर्ड था, जो बेंचेस थे, लोग कारोबार करते थे, वो 12वीं और 14वीं सदी में था। इसी तरह जो पहला बैंक था दुनिया में वो इटली में स्टार्ट हुआ था, किस नाम से, बैंक ऑफ विनिस के नाम से। इसको भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लगा लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहला बैंक जो था वो 1157 में बैंक ऑफ विनिस के नाम से एस्टेब्लिश हुआ था। सेकंड जो आपका बैंक था वो कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ जेनेवा, वो भी 1587 में। फिर एक और बैंक था जिसने तमाम बैंकों की बुनियाद रखी, वो कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694। एक्चुअली में जो फॉर्मल बैंकिंग थी
1689 से वजूद में आई थी, 1694 में। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सेंट्रल बैंक, सेंट्रल जो मेन बैंक होता है किसी भी कंट्री का, एक बैंक होता है, उसकी भी बुनियाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ही रखी थी। इसके बाद देखते हैं आपका बैंक ऑफ इराक है, 1728 से 1686 तक यहाँ पे बैंक आ रही थी। उसके बाद बैंकिंग इन सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर में, यानी कि इंडिया जो पाकिस्तान इकट्ठे थे बड़े सगीर में, तब बैंकिंग कब स्टार्ट हुई थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोथ। इसमें जो पहला बैंक बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था। और याद रखिएगा पाकिस्तान का पहला मरकजी बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही था, क्योंकि जब 1947 में पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान का अपना कोई बैंक नहीं था, बल्कि जो पाकिस्तान का पहला बैंक था वो कौन सा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो पाकिस्तान का सबसे पहला बैंक बना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से बना, वो कब बना था, 1948 में, यानी कि पाकिस्तान बनने के तकरीबन एक साल बाद जो सा है ये बैंक वजूद में आया था। उसके बाद देखिए बैंक कोई अचानक से वजूद में नहीं आ गया, इसकी बकायदा आहिस्ता वक्त के साथ एक स्टेजेस थी जिसमें बैंक का एवोल्यूट हुआ, बैंक का इर्तका हुआ। उसमें सबसे पहले जो स्टेज आती है वो किंग्स की थी, जो बड़े बड़े बादशाह लोग थे किसी भी कंट्री के, वो क्या करते थे कि लोगों के साथ, आपको पता है बादशाह लोग अमीर लोग थे, वो क्या करते थे लोगों के साथ लेन देन करते थे, यानी कि गरीब लोगों को कर्जे देते थे, इसी तरह लोगों की अमानते अपने पास रख लेते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि लोग उन पर एतमाद करते थे। इसी तरह जब सेकेंड स्टेज आई वो ताजिर की आई, ताजिर का मतलब क्या होता है, लेन देन करने वाला, मर्चेंट्स लोग, ये लोग इन पे भी इत्मीनान करते थे क्योंकि ये लोग भी वहाँ पे ट्रस्ट वर्दी पर्सन थे, लोग इन पे ट्रस्ट, इन लोगों ने बेसिकली लेन देन का जो ट्रस्ट था वो डेवलप करवाया था। यानी कि ये लोग क्या करते थे, एक पर्सन से पैसा लेते थे और दूसरे पर्सन से पैसा दे देते थे, यानी कि एक तरफ से पैसा लेते थे और दूसरे तरफ क्या करते थे, उधार दे देते थे। थर्ड, इन्हीं से एवोल्यूशन हुआ था, किस चीज का एवोल्यूशन हुआ था, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का। What are credit instruments? Credit instruments के हम आगे chapters भी पढ़ेंगे banking में। Credit instruments हैं क्या? Those instruments who are not cash but used as cash। ऐसे instruments जो कि cash नहीं होते लेकिन cash के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कौन से cash कहलाते हैं, हमारे रात-ए-तबार कहलाते हैं। इन्हें रात-ए-तबार क्यों कहते हैं, क्योंकि लोग इन पर एतबार करते हैं। Like आपके check हैं, like आपके bill of exchange हैं, like आपके promissory note हैं, लाइक जो सा बैंक ड्राफ्ट है, इसी तरह ये तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कैश नहीं होते लेकिन कैश के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। और यहीं से एवोल्यूट हुआ था मर्चेंट से क्या चीज, अलाते तबार। उसके बाद आ जाते हैं मनी लेंडर, मनी लेंडर कौन लोग थे, महाजन या फिर इनको सेठ लोग भी उस दौर के कहा जाता था। दोज आर ऑल्सो वेरी ट्रस्टवर्दी पर्संस, ये लोग क्या करते थे, इन्होंने बैंकिंग के कारोबार को बढ़ाया था, एक्सपेंड किया था। वो कैसे, ये लोग भी क्या करते थे, इन लोगों ने सूद का, अगर हम लोग इनकी बात करें तो इन लोगों ने इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया था। कि ये क्या करते थे, जिन लोगों के पास फालतू पैसा होता था उनको लालच देते थे कि आप ऐसा करो अपना पैसा हमारे पास रखवाओ और हम उसके बदले में आपको कुछ पैसे पे करेंगे, जो कि क्या था, वो सूद था। और फिर इन लोगों ने क्या किया, यानी कि कारोबार था ना, आपको पता है कारोबार वो एक्टिविटी होती है जिसका मकसद नफा कमाना होता है। अब वो लोगों को पैसे ले भी रहे हैं, उनको पैसा दे भी रहे हैं, उनको क्या फायदा। फिर उन्होंने क्या किया कि जो वो लोगों से पैसा अपने पास रखते थे उसको आगे क्या कर देते थे, दूसरे जो जरूरतमंद लोग होते उन्हें ज्यादा शरा सूद पे क्या करते थे, कर्जे जारी करते थे। इसी से आज के दौर का जो बैंक था वो डेवलप हुआ, यानी कि इन्होंने बेसिकली बैंक की क्या रखी थी, बुनियाद रखी थी। उसके बाद आ जाते हैं आपके गोल्डस्मिथ, सुनार। इसमें एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा पेपर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि चेक की इब्तिदा किन लोगों से हुई थी। तो चेक की इब्तिदा जो सी है वो सुनार लोगों से हुई थी, जो गोल्डस्मिथ होते थे उस दौर के। अब वहां से आपको पता है आज के जैसे आपने देखा होगा वो सेफ बने होते हैं जिसमें आप अपना गोल्ड वगैरह बैंक के पास रखवा देते हो, माइनर इंटरेस्ट रही है जो भी उसकी आपके जी गोल्ड सेल से आपकी किसकी हुई थी, चेक की प्रदा हुई थी। ये क्या करते थे, एक आप सपोज करो लोग इनके पास जो सर है अपना गोल्ड वगैरह रखवा के जाते थे, अब क्या क्रोस था कि गोल्ड किसका होगा उनका वापस किया जाएगा, तो ये उसको वोचर एक देते थे, यानी कि गोल्ड के केस एक प्रूफ के तौर पर ट्रस्ट वर्दी एक प्रिंटेड शेप में होता था, वो वोचर होता था जो कि आप
आगे हुआ, एक वर्ड था बैंकरप्ट का, बैंकरप्ट क्या था? ये पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बैंकरप्ट का वर्ड कैसे ड्राइव हुआ। हमने बताया स्टार्टिंग में बैंक कोई इदारा नहीं था, बल्कि लोग किस पे कारोबार किया करते थे? बेंचेस पे। वो जब बेंचेस पे कारोबार करते थे यानी कि लोगों का पैसा ले लेते थे और किसी वक्त ऐसा आता था कि वो लोगों का कर्ज वापस नहीं कर पाते थे, तो उस सूरत में लोग उनका बेंच तोड़ दिया करते थे। वहीं से बैंक की डेरिवेशन हुई थी, किसकी? बैंकरप्ट की। यानी कि बैंकरप्ट का आगाज कब हुआ? कि जब लोग बेंचेस पे कारोबार किया करते थे और उस कारोबार के दौरान जब वो कर्जा नहीं अदा कर पाते थे, अपने डेट्स को क्लियर नहीं कर पाते थे, तो लोग उनका बेंच तोड़ दिया करते थे। वहीं से डेरिवेशन हुई थी बैंकरप्ट की। जी, अब हमने बैंक का एवोल्यूशन पढ़ा, बैंक का वर्ड कैसे ड्राइव हुआ, बैंकरप्ट के बारे में पढ़ा। अब जो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं कि एक्चुअली इस वक्त बैंकिंग सिस्टम में क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे तरीका कार है जिसके थ्रू बैंक को चलाया जा रहा है। देखिए, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, बैंक अब एक सिस्टमैटिक एक इदारा है। इंस्टीट्यूशन का वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये एक सिस्टम है, एक इदारा है। हु एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, मतलब एक्सेप्ट डिपॉजिट्स का मतलब ये लोगों से पैसा वसूल करता है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम शरह सूद पे और एडवांसिंग लोन। यानी कि देखिए, अगर बैंक सिर्फ अमानतें वसूल करे, लोगों का पैसा अपने पास महफूज रखे, तो वो खुद कैसे पैसा कमाएगा? ठीक है, वो फिर इसके लिए क्या करता है? सेकंड ऑप्शन क्या है? एडवांसिंग लोन। वो लोगों को क्या करता है? कर्जे जारी करता है एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट इज कॉल्ड बैंक प्रॉफिट। यानी कि बैंक अपना मुनाफा कैसे कमाता है? सपोज करें बैंक ने 1 लाख किसी शख्स से पैसा लिया, उसने कहा भाई मेरे पास फालतू पैसा है, आप ऐसा करो कि बैंक में रख लो। बैंक ने क्या किया? उसका 1 लाख ले लिया। अब ये बैंक 1 लाख का क्या करेगा? और उसको कहा कि मैं आपको 10% इसमें क्या करूंगा? इंटरेस्ट आपको पे करूंगा। अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो कितना होगा? 10,000। यानी कि जब वो शख्स अपने पैसे वापस लेने आएगा तो वो कितने वापस लेगा? 1,10,000। यानी कि 10% उसे क्या मिलेगा? सूद मिलेगा। अब बैंक इस पैसे का क्या करेगा? वो अपने पास तो नहीं रखेगा, वो इसे आगे क्या कर देगा? कर्जे में यूटिलाइज। जब वो इसे स्पोज करें 1 लाख का आगे कर्जा जारी करेगा, वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने अपना प्रॉफिट भी अर्न करना है। वो क्या करेगा कि मैंने लोगों से पैसा लिया 10% इंटरेस्ट में, अब मैं जो आगे एडवांसिंग लोन करूंगा वो कितने परसेंट होगा? 15%, मीन्स 15,000। The difference between two interest is called bank profit. इन दोनों का जो फर्क होता है, यानी कि 15,000 उसने लोगों से लेना है और आगे इंटरेस्ट कितना पे करना है? 10,000 पे करना है। जो फर्क होगा ये बैंक का क्या कहलाएगा? एक्चुअली ये बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट। आपने हमेशा दो बातें बैंकिंग सिस्टम में नहीं भूलनी, नंबर 1 इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड नंबर 2 इज एडवांसिंग लोन। यानी कि बैंक कैसे पैसा कमाता है? लोगों से मांगते वसूल करता है, देन उस पैसे का क्या करता है? वो कर्जे जारी करता है। और इसी का फर्क क्या होगा? बैंक का प्रॉफिट। जो लोग उर्दू में पढ़ना चाहें वो उर्दू में पढ़ सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहें अपने कैलिबर के मुताबिक वो इंग्लिश में रख सकते हैं बैंकिंग को। देखिए, उर्दू में देखिएगा, बैंक एक ऐसा इदारा है जो कम शरह सूद पर लोगों की इमानतों को वसूल करता है और ज्यादा शरह सूद पर कर्जे जारी करता है, और इन्हीं सूद का जो फर्क होता है वो बैंक का क्या कहलाता है? मुनाफा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि बैंक मुनाफा कौन सा है, वो किस तरह से अर्न करता है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है डॉक्टर D.H. हार्ट के मुताबिक, अ बैंकर इज वन हु इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव मनी। देखिए, हर जगह जहां पे भी बैंकिंग की डेफिनेशन आएगी वहां पे यही बात होगी। रिसीव मनी मींस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स व्हिच ही रीपेज बाय ऑनरिंग चेक्स ऑफ द पर्सन। रीपेज का मतलब लोगों को वापस करता है। देखिए, हम पैसा अपना बैंकों में जमा करवाते हैं, क्या हमेशा के लिए हम लोग अपना पैसा बैंकों को दे देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि हम लोग चेकों के थ्रू क्या कर लेते हैं? अपना पैसा जब हम चाहते हैं बैंक से वापस ले लेते हैं। From whom or with whose account he received it? यानी कि हम लोग पैसा बैंक में जमा कैसे करवाते हैं? अकाउंट्स के थ्रू। आगे हमारे प्रॉपर चैप्टर्स भी हैं अकाउंट्स के। वैसे मैं आपको जनरली बता दूं, हमारे मेन 3 तरह के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से अकाउंट? नंबर 1 इज करंट अकाउंट, नंबर 2 इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट,
इसका प्रॉपर्ली चैप्टर है। वैसे छह तरह की कार्ड्स होती हैं बैंक में अकाउंट्स की, लेकिन जो मेन है वो ये तीन होती है। नंबर वन इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता क्या है? करंट अकाउंट वो लोग ओपन करवाते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं, जिनमें कंडीशन नहीं होती बैंकों में कि वो जब चाहे मर्जी बैंकों में पैसा जमा भी करवा सकते हैं और जब चाहे निकलवा भी सकते हैं, वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। उर्दू में इसको कहा जाता है चिल्लर खाता, या इसका दूसरा नाम है जारी खाता। वो जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे फिर इसकी हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट के नाम से ही जाहिर है, मुद्दती खाता, यानी कि जिनके पास फालतू रकम होती है वो साल के लिए, दो साल के लिए, पाँच साल के लिए, दस साल के लिए अपना पैसा जो है वो कहाँ रखवा देते हैं? बैंकों में रखवा देते हैं। और ये वो अकाउंट होता है जिसमें जो शरह सूद होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब इसमें एक ही वक्त में पैसा जमा करवाया जाता है और एक ही वक्त में पैसा निकलवाया जा सकता है, ना तो इसमें बार बार पैसा जमा करवाया जाता है और ना ही निकलवाया जाता है। और इसमें अगर आप वक्त से पहले, सपोज करें आपने बैंक में दो साल के लिए अकाउंट ओपन करवाया था, लेकिन दो साल से पहले आपको अपने पैसों की जरूरत पड़ रही है, आपने वो निकलवाना है, उस सूरत में बैंक फिर आपको इंटरेस्ट नहीं देता, आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है सिर्फ वही पे करता है। तीसरा अकाउंट है सेविंग अकाउंट। इसको उर्दू में कहते हैं बचत खाता। बचत खाता क्या होता है कि जो लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बैंकों में सेव करवाना चाहते हैं, लो इनकम पर्सन जो होते हैं, कम आमदनी वाले लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बैंकों में क्या करते हैं, जमा करवा देते हैं, ताकि एट द नीड या जरूरत के वक्त वो अपना पैसा निकलवा सके। लेकिन इसमें लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि आप एक मंथ में, यानी कि एक चार बार ही पैसा, आठ बार सॉरी पैसे निकलवा सकते हैं, यानी कि एक वीक में दो बार सिर्फ पैसे निकलवाए जा सकते हैं। जमा करवाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन विड्रॉल की जो है वो लिमिट है, यानी कि एक वीक में आप दो बार ही इसमें विड्रॉल करवा सकते हैं अपनी मनी, उसके अलावा आप नहीं करवा सकते। इस पे भी माइनर सा इंटरेस्ट होता है जो कि अकाउंट होल्डर को रिसीव होता है। फोर्थ है फॉरेन करेंसी अकाउंट। फोर्थ कोई डिफरेंट टाइप नहीं है, ये ही तीनों की टाइप ही होती है, यानी कि वो करंट अकाउंट हो सकता है, वो फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, वो सेविंग हो सकता है, लेकिन फर्क कहाँ पर आता है कि उसमें जो करेंसी होती है, जिस मुल्क की करेंसी में आपने अकाउंट ओपन करवाया होता है उसी मुल्क की करेंसी का वो खाता होता है। यानी कि उसमें आप सपोज करें आपने यूएई है तो वहाँ का जो दिरहम है उसमें अकाउंट ओपन होगा, अमेरिका है तो डॉलर होगा, इसी तरह इंग्लैंड है तो उसका पाउंड होगा, यानी कि जिस कंट्री का आपने अकाउंट ओपन करवाया है उसमें करेंसी भी उसी कंट्री की होती है। टाइप करंट भी हो सकती है, टाइप फिक्स डिपॉजिट भी हो सकती है, टाइप आपकी सेविंग्स भी हो सकती है। लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये भी शॉर्ट पर्सन बोर्ड में बहुत दफा आया हुआ है, वो नाम जाहिर करता है कि सर जॉन पेजेट के मुताबिक बैंक की तारीफ करें। जब वो किसी का नाम जाहिर करेगा आपने सेम टू सेम वर्डिंग वही यूज करनी है, आपने वर्ड चेंज नहीं करना। हाँ, आप अपने मुताबिक अगर लिख रहे हो बैंक की डेफिनेशन उसमें आप चेंज कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन जब उसने किसी राइटर के मुताबिक आपको डेफिनेशन पूछी है आपने सेम एज इट इज वही लिखनी है जो आपकी बुक में लिखी गई है। देखिए क्या कह रहा है, बैंक इन एन इंस्टीट्यूशन, बैंक एक ऐसा इदारा है हु परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, जो कि मनोरंजन काम लोग है वो सर अंजाम देता है। इसमें भी देखिए पहली बात वही है, अब हर तरीक में आपने एक ही बात पढ़नी है, वो क्या थी जो हमने पहली डेफिनेशन में पढ़ी थी कि नंबर वन इज एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो वो क्या है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि बैंक पहला काम सबसे पहला क्या करता है लोगों से मानते वसूल करता है। फिर सेकेंडली वही बात एडवांसमेंट ऑफ लोन, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी कि बैंक का जो सेकेंड मेन फंक्शन है वो क्या है लोगों को कर्जे जारी करना, और बैंक क्या करता है लोगों को कर्जे जारी करना। इशू एंड पे चेक, जो उसके पास चेक्स आते हैं वो चाहे पैसा विड्रॉल के लिए हो चाहे पैसा डिपॉजिट के हो, हम लोग चेक्स की भी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे चैप्टर्स में कि तीन तरह के चेक्स होते हैं, इनमें ऑर्डर चेक होता है, इनमें बैरियर चेक होता है, इनमें क्रॉस चेक होता है, वो जब इनके चैप्टर्स आएंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फोर्थ इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको भी ये बात पता होगी कि हम लोग बैंक के थ्रू आसानी से इवन विद इन द रीजन इलाके में एक पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री एक मुल्क में रहते हुए किसी भी शहर में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आउटर ऑफ द कंट्री एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी आप अपना पैसा क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ क्या कर सकते हैं बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। इनमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, वो चेक भी आ जाते हैं, वो बैंक ड्राफ्ट भी आ जाते हैं, प्रीमिसरी नोट भी आ जाते हैं, ट्रैवलर चेक्स भी आ जाते हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड्स हैं। जैसे जैसे हम बैंकिंग को डिस्कस करते जाएंगे इसकी डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।